ना बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ, किसी के सही चीज के खिलाफ, जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। नहीं नहीं कोई दुश्मनी दुश्मनी ऊपर वाला, देखिए एक बार जानिए पप्पू करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब मेरी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं नाम जाने, मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात उसके साथ आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा, वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकल, इन्हें पॉलिटिकल ना ले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र, हम फोन नहीं करेंगे ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके।